मैं सना बिलाल पाकिस्तान से। मेरे चैनल में आपको गार्डनिंग टिप्स मिलेंगी, छोटी छोटी DIY टिप्स मिलेंगी कि किस तरीके से हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स और डोमेस्टिक प्लांट्स को सेट कर सकते हैं, इनकी केयर और ग्रो कर सकते हैं और अपने घर को एक बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। ये मुझे गार्डनिंग का शौक़ तो बचपन से था, मैंने गार्डनिंग अपने वालदा से सीखी है और क्योंकि अब मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें डोमेस्टिक तरीके से घर में हम किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह सेट कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं उनके साथ मैं शेयर करूं और उनके आइडियाज़ वो मुझे शेयर करें। मैंने ये फील किया है कि पाकिस्तान में इस तरह के चैनल्स बहुत कम हैं जिसमें हम लेडीज़ को, हाउसवाइफ को प्लांट्स के बारे में अवेयरनेस दें और अपने घर को किस तरीके से प्योरीफाई कर सकें। तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। आज जो प्लांट मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो ये है मनी प्लांट। ये सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला प्लांट है। ये देखिए, ये मेरे वेरीगेटेड प्लांट है, यानी कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सेट कर सकते हैं और इसको पेड़ की सूरत में भी ऊपर बढ़ा सकते हैं या अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएँ तो ये रखने के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका आप देखिए, मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि इसको थोड़ा आर्टिफिशियल जो है इसके अंदर ये चीज़ें डेकोरेशन की हुई हैं। ये एक मटकी में मैंने ये डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ एक छोटा मटका लगाया हुआ है, इस पर मैंने एक छोटा डेकोरेशन की हुई है और ये थोड़े आर्टिफिशियल प्लांट्स फ्लावर्स इसमें लगा के, और ये एक दरख्त टहनी है जिस पर मैंने जो है ये पेपर लगाया हुआ है, तरपाल का जो कहते हैं इसके ऊपर तरपाल जो है चढ़ाई है और ये एक सेट किया है। उसमें मोज स्टिक लगाई हुई है, मोज स्टिक से जो है आपका प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है क्योंकि ये इससे जो है सारी अपनी एनर्जी लेता है। तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के तरीके से सेट हुए हैं, मैं आपको ये दिखाऊँगी। ये देखें, मैंने ये खुद मोज स्टिक बनाई हुई है, ये एक दरख्त पुरानी टहनी लेके उसके ऊपर मैंने जूट चढ़ाया हुआ है और उसको किस तरीके से स्टिक किया हुआ है। ये देखें आप कितना हेल्दी माशाल्लाह ग्रो हो रहा है। इसी तरह ये छोटे प्लांट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये देखें, ये एक छोटी दरख्त की टहनी लेके उसको मैंने ये पाइन के जो फल होते हैं उनको सेट किया हुआ है और इस तरह ये बहुत खूबसूरत ये इंडोर डेकोरेशन बन जाती है। इसी तरह ये मेरा एक दूसरा मैंने छोटा सा प्लांट बनाया हुआ है, इससे भी मैंने डेकोरेशन की हुई है और ये भी बहुत अच्छा इंडोर सेट हो सकता है। और मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास मनी प्लांट्स हैं जो मुख्तलिफ तरीके से मैंने सेट किए हैं, जैसे ये फ्लावर से सेट किया हुआ है, ये जूट मैंने एक पुरानी जो है ये उसके ऊपर लगाया हुआ ट्री की जो एक टहनी थी उसके ऊपर जूट चढ़ा के इसको प्लांटेशन करके और ये सारा मैंने इसके ऊपर मोज स्टिक के साथ इस जूट को लगा के तो ये मैंने सारा इसको सेट किया हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। जूट से जो है इसको बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है, इसको यहाँ से ये देखिए, ये जूट से ये अपनी एनर्जी यहाँ से लेता है, ये इसके साथ स्टिक हो जाता है और ये अपनी एनर्जी लेता है। तो जब भी आप इसको जूट के साथ जोड़ते हैं या आप खुद भी अगर जूट की एक कोई टैली में आप जूट लगा के जोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए इसके कलर कितने खूबसूरत माशाल्लाह, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, इसी वराइटीज़ आती हैं और ये इसमें देखें ये नियॉन कलर भी मिक्स हुआ हुआ है और ये बहुत हेल्दी सा ग्रो हो रहा है। जब आप इसको पानी दें तो उसको इसके जो झूठ है इसको बहुत हमें मॉइस्ट रखना चाहिए तब ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये देखें, ये मेरी दूसरी मनी प्लांट है जो मैंने एक वाइपर के स्टिक के साथ मैंने फिलहाल इसको लगाया हुआ है, लेकिन आप ये देखें किस कदर अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रही है मेरे थोड़ी बालकनी में। और इसी को फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी खाद और थोड़ा सा कोकोपीट डाल के इसकी जो है वो रूट्स उसके अंदर डाल दिए हैं, तो देखें कितने बड़े प्लांट, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े आए हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए तो किस कदर खूबसूरत हैंगिंग बन गई है, कितना खूबसूरत लग दे रहे हैं। इसके आप पत्ते देखें किस कदर माशाल्लाह बड़े हैं और कितना खूबसूरत लुक दे रहे हैं। नीचे से भी इसको इसके नीचे से भी इसको इसकी फीड मिल रही है, नीचे से खाद से भी और ऊपर से भी इसको इसकी फीड मिल रही है इस प्लांटर से जो मैंने हैंगिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरा वाला भी मेरा कॉर्नर पे रखा हुआ है, वो ये भी इसी तरह ही मैंने एक स्टिक के साथ इसको कितना ही हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है,
ये देख सकते हैं आप लोग, मनी प्लांट का बहुत तरीके से हम सेट कर सकते हैं और इनको ग्रो कर सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए होती है और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने मनी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है ये इंडोर रखा हुआ है, यहाँ से मेरे बरामदे की धूप भी, धूप तो नहीं आती, ब्राइट लाइट आती है। और ये देखिए, मैंने एक ये ट्री के जो है ये शाफ के साथ, इसको स्टेम के साथ कलर करके इसको मैंने इसके साथ ग्रो किया हुआ है और इसको टाई किया हुआ है। और जब हम इसको दरख्त के किसी भी शाफ के साथ इसको ग्रो करते हैं तो इससे इसको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और ये बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से ग्रो होते हैं। और ये देखें, ये मेरा इंडोर छोटा सा डाइनिंग रूम का प्लांटर है। ये देखें आप, बिल्कुल इसके लीव्स देखें। अब ये इसमें छोटे से पॉट पे लगा हुआ है और इंडोर रखा हुआ है, तो ये इसके लीव्स देखें आप, कितने छोटे छोटे आ रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत हेल्दी ग्रो हो रहा है। और एक आपको मैं बात बताऊँ कि इसके अंदर मेरे ड्रेनेज होल भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से पानी देती हूँ कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इसमें न्यू जो है वो लीव्स आ रहे हैं, ये देखें आप कितने छोटे लीव्स आ रहे हैं। अब आप जितनी छोटी स्पेस पे इसको लगाएंगे ये उतना छोटा हो जाएगा और बहुत लवली लुक देता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और अगर आप इसको बड़ी स्पेस पे लगाएंगे और केयर करेंगे और किसी मोन स्टिक के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत अच्छा, इसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए, ये मैंने अपने ड्राॅइंग रूम में सेट किया हुआ है मनी प्लांट को। इसमें भी ये दो कलर का मनी प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये मैंने मोस स्टिक के साथ इसमें मट्टी के प्लांटर में इसको सेट किया हुआ है। और ये देखिए, इसमें मैंने मोस स्टिक लगाई हुई है, साथ इसके छोटा सा मैंने एक और प्लांटर भी रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मटकी में मैंने इसको सेट किया हुआ है और ये भी डार्क ग्रीन वाला है। इसमें मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स साथ सेट करे हुए हैं और ये जो मटकी है उसके अंदर सेट किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखिए, इसको मैंने जो शेप दी हुई है मोस्टिक के साथ जो है, मैंने एक अम्ब्रेला की शेप दी हुई है इसको। इसमें जो मैंने एक अम्ब्रेला की जो छतरी सी होती है वो बना के मैंने दिया हुआ है। और ये छतरी जो है किसी भी हमारे जो वेजिटेबल की शॉप्स होती हैं या ये टॉलर शॉप्स होती हैं उसमें ये छोटी सी ये डेकोरेशन की लिए ये अक्सर प्लांटर के लिए मिल जाती हैं, तो ये से मैंने ये सेट करके इसको मैंने मोस्टिक के साथ ज्वाइन किया हुआ है उनके साथ। तो ये देखिए, इतना प्रीटी लुक दे रही है ये, और उसमें छोटे छोटे लीव्स भी ऊपर आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इसको जो है ये अपनी रूप की इस अम्ब्रेला के साथ भी मिल जाती है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये लुक दे रही है। और मैंने थोड़ी सी जो है ये आर्टिफिशियल एक जो है वो तेल जो है वो साथ इसके साथ एडजस्ट कर